हेलो चिल्ड्रन, मैं भय प्रताप और आप देख रहे हैं एपी ड्राइंग। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपको आ से अनार का चित्र बनाना सिखाएंगे। आपने बिल्कुल सही सुना प्यारे बच्चों, आ से अनार का चित्र। तो आ से अनार का चित्र कैसे बनेगा, इसको जानने के लिए आपको करना क्या होगा, वीडियो को जो है शुरू से लास्ट तक देखना होगा प्यारे बच्चों। यहाँ पे आप पहले एक ऐसे छोटा आ लिख दीजिएगा। ये छोटा आ तो लिखना सभी प्यारे बच्चों का आता ही होगा। यहाँ पे हमारा ये छोटा आ इस तरह आपको लिखना होगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और हाँ प्यारे बच्चों, छोटा आ लिखने से पहले आपसे मेरा एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन भी है। अगर आपको जो है अनार को इंग्लिश में क्या कहते हैं ये पता है तो आप हमें जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करिएगा प्यारे बच्चों। अगर आप चाहते हैं मैं कोई और ड्राइंग बनाऊँ तो भी आप हमें कमेंट करिएगा, हम आपके लिए वो ड्राइंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपके लिए बनाना सिखा देंगे प्यारे बच्चों। इसको हमें ऐसे डबल कर देना होगा। डबल करने के बाद देखिएगा, यहाँ पर भी आपको इसको ऐसे डबल कर देना होगा। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, कोई जल्दबाजी मत करिएगा। इसको हमें ऐसे मिला देना होगा, फिर यहाँ पे भी आप ऐसे मिला दीजिएगा। इसको मिलाने के बाद प्यारे बच्चों, अब आप हमें जो है टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप वहाँ पे जाइए और हमें फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हम वहाँ पे भी बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहते हैं। यहाँ तक हो जाने के बाद अब देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, जो हमारा ये हल्का सा देखिए यहाँ पे हाफ सर्किल का शेप आपको दिख रहा होगा ना प्यारे बच्चों, इसको हमें जो है ऐसे नीचे की तरफ ले जाना होगा। बहुत ही आराम से ऐसे ले जाइए, फिर इसके बाद सेम प्रोसेस रिपीट करते हुए यहाँ से आप ऐसे ले जाएंगे नीचे की तरफ, अंदर की तरफ कर दीजिएगा। अंदर की तरफ आपको ऐसे ले जाना होगा, फिर यहाँ से आपको इसको ऐसे नीचे की तरफ सीधी लाइन ड्रॉ कर देना। सेम प्रोसेस आप यहाँ पे भी रिपीट कर दीजिएगा। और आप हमें जो है अनार को इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपसे दोबारा कह रहा हूँ प्यारे बच्चों, कमेंट जरूर करिएगा। यहाँ तक हो जाने के बाद अब आपको करना क्या है, ऊपर की तरफ यहाँ पे ऐसे जैसे W लिखा जाता है, ये देखिए हमारा ये W शेप में यहाँ पे हो गया, आपको दिखा होगा। ये देखिए ये हमारा W हो गया। W बनाने के बाद नीचे की तरफ यहाँ पे आप ऐसे V लिख देंगे, एक V आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। यहाँ तक हो गया हमारा। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों इसको थोड़ा सा हम अंदर की तरफ कर देंगे। अंदर की तरफ करने के बाद हल्की सी यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ तक हो गया हमारा। अब देखिएगा, इसके बाद अब आपको करना क्या है, यहाँ पे इसे डबल लाइन करिए, एक डबल लाइन यहाँ पे कर दीजिएगा। फिर इसकी हेल्प से हम यहाँ पे इस अनार का पत्ती बना देंगे प्यारे बच्चों। तो ये हमारा अनार का चित्र बन के तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम जो है अनार को कलर करना भी सीख लेते हैं। तो चलिए कलर करना शुरू करते हैं।